है, किस तरह से आपने ये सफर तय करा, क्या? मैं 2016 से ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी अंडर अभिषेक राणा, जो मेरे पर्सनल कोच हैं, उनके अम्बाला में रेंजर सेंट्रल गेम्स क्लब के अंदर। और काफ़ी अच्छा था वो। अगर मैं फ्लैशबैक करूं अपनी सारी चीज़ों को और देखा जाए तो मतलब एक पिछला साल सारा खराब गया था। मतलब अच्छा था वो भी, बट इंजरी की वजह से मतलब काफ़ी चीज़ें छूट गई थी मेरी, जैसे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हो गया, और एशियन कह रहा हूँ, ओलंपिक का ओलंपिक रेंज पे कैंप था, वो छूट गया मेरे से क्योंकि इंजरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी उस टाइम पे। तो काफ़ी पेन, मतलब काफ़ी ज़्यादा पेन थी उस टाइम पे, इसलिए छोड़ दिया था मैंने वो। बराड़ा से अंबाला तक का सफर तय करते थे, किस तरह से सफर तय करते थे, और क्या एक समय आपको लगता था कि आप जीत पाएंगे, इस तरह का पहुंच पाएंगे? सर मैंने कभी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा था उस टाइम पे, बट इतना था कि ये गोल्ड लेके चलना है, दैट्स इट। बट अगर मैं वो चीज़ की सोच लूंगा कि यार वहां जाऊंगा ये, तो वो चीज़ मन भर जाता उस चीज़ से। तो ऐसा था कि यहाँ घर से मैं बाइक उठाई और दो सड़का यहाँ पे से बस स्टॉप है, मतलब 10 मिनट का रास्ता है यहाँ से, तो यहाँ से मैं वहाँ के लिए गया बाइक पे, वहाँ पे खड़ाई, फिर वहाँ से बस लेके रेंज पे जाता था, तो रात को वापस आता था 8-9 बजे तक। अभिषेक जी का काफी योगदान रहा है, अभिषेक जी ने काफी मेहनत करी है, और भी इनके ट्विटर पे तो आप ही पे मेहनत की, क्या कुछ कहें? नहीं, सभी भी मेहनत करी ऐसी बात नहीं, बट सभी का माइंडसेट वो होता है कि किसी ने कितना मतलब वो किया होता है, तो सारी डेडिकेशन के ऊपर बात है। परिवार का कितना सहयोग रहा है? बहुत ज़्यादा, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता वो चीज़ कि हर एक मतलब मदर फादर का तो होता ही है, ग्रैंड पेरेंट्स के बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। आपके ब्रदर थे जो कनाडा में, उनका क्या, उनको पता लगा था मेडल जीते तो कैसे उन्होंने दिया? फर्स्ट ऑफ ऑल उसको मतलब स्पोर्ट्स में इतना कुछ अच्छा मतलब लगता नहीं, बट उसको ऐसा था कि भाई का मेडल आ गया तो क्या बात है, थोड़ा वो अच्छा लगता, मतलब कॉन्ग्रेट्स दी थी उसने। अपने गांव पहुंचे हैं, क्या कुछ महसूस हुआ, कुछ बदलाव लगा, कैसा लगा आपको? नहीं, सारा कुछ अच्छा था पहले भी, मतलब एशियन गेम्स के टाइम पे ये सेम अच्छा क्राउड था, बहुत अच्छा क्राउड था, और आज भी वही सेम, काफ़ी अच्छा लगा। काफी मेडल पहले भी जीत चुके हैं, और अगला, अब आप ब्रॉन्ज मेडल ले आए ओलंपिक में, अगला टारगेट आपका क्या रहेगा? वही सबका सेम होता है, LA 28, तो हम भी उसी पे फोकस रखेंगे। इसमें अब मैं आपसे पूछना पाऊंगा, प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, किस तरह से रहा? मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई थी और काफ़ी उन्होंने कॉन्ग्रेट्स दी मेरे को, और काफ़ी अच्छा लगा उनसे बात करके। एंड मतलब वो हर एक एथलीट को काफ़ी मोटिवेट भी करते हैं, और ऐसा नहीं कि मतलब हम जब उनके पास गए और तब ऑल द बेस्ट बोला उन्होंने ओलंपिक्स के लिए, और बताया कि हार जीत तो चलती रहती है, ऐसा नहीं कि नेगेटिव वहाँ से होके आओ, बट अपना कुछ सीख के आओगे वहाँ से। आपके साथी जो आपके साथ करते हैं, जो शूटिंग रेंज में आपके साथ काम करते हैं, उनको क्या संदेश देंगे कि वो भी आपकी तरह आगे? मैं बस ये संदेश देना चाहूँगा, एज एथलीट मैं बताऊँगा कि माइंडसेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हर एथलीट के लिए। विदाउट माइंडसेट आप कुछ नहीं कर सकते, अगर माइंडसेट हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सरोजो जी, न्यूज 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।